हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, क्या होगा अगर हम लोग इस लीटर से नापे जाने वाली चीज़ को हम लोग किलो में नापे? तो फॉर एग्जांपल आप लोग दूध लेने जाते हो तो दूध क्या होता है, वो हमें लीटर में नापा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम लोग लीटर में नापे जाने वाली चीज़ को हम लोग किलो में नापे, तो क्या हमें ज़्यादा मिलेगा या फिर हमें कम मिलेगा? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हम लोग नाप के देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर चावल नाप के देखेंगे और फिर हम लोग दूध, पानी, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दूध नाप के देखते हैं कि दूध अगर हम लोग नापेंगे तो कितना फ़र्क देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना जो वेट स्केल है वो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होगे 0.0 आ रहा होगा। अब सबसे पहले मैं जिससे हम लोग नापने वाले हैं हम लोग उसका वेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा और आप लोग देख रहे होगे कि इसका वजन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 0.0 कर देते हैं। ये भाई साहब आप देख रहे होगे हमने पूरा 1 लीटर का जो मग्घा है, मतलब इसे जो लीटर है वो बोलते हैं, वो पूरा हमने भर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं और देखते हैं कि कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हमने अपना पूरा दूध डाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना देखने को मिला है। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ 34 ग्राम का अंतर है। तो अगर हम लोग लीटर दूध को किलो में नापते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 34 ग्राम का अंतर देखने को मिलता है। मुझे लगा था कि भाई कम से कम आधा किलो का अंतर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 34 ग्राम का मिला है। तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग किलो में नापते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, ये चावल है, इसे हम लोग किलो में नापते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किलो में नापेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसको लीटर में नापेंगे और फिर देखते हैं कि जो किलो में नापी जाने वाली चीज़ है अगर वो लीटर में नापी जाए तो क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 1 किलो चावल है ये पूरे हमने तौल के रखे थे, ये 1 किलो ही है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ वजन दिख रहा होगा, 132 ग्राम, ये आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। ये एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, ये हमारे इस कटोरा का वज़न है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 135 ग्राम इस कटोरे का वज़न है, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलो अब इस 1 किलो को हम लोग इसमें डाल के देखते हैं कि क्या होता है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 1 किलो जो चावल थे वो हमने 1 लीटर में भर दिए, लेकिन भाई 1 किलो चावल इस लीटर में पूरे आ ही नहीं पाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना चावल हम इसमें भर सकते थे वो हमने भरा, लेकिन बाकी भी इतने चावल अभी बच चुके हैं। तो अब मैं आपको इतने चावल दिखाता हूँ कि ये जो कितने ग्राम चावल यहाँ पर बचे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 170 ग्राम हमारा बढ़ा है। अगर हम लोग 1 किलो चावल को लीटर में तोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 लीटर हमारा पूरा भर चुका है, फिर भी 175 ग्राम यहाँ पे भी बाकी है हमारा। तो किलो में हमें फ़ायदा होता है। अब चलो मैं आपको थोड़ा सा पानी भी तोल के दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी अगर जितना लीटर में होगा उतना किलो में होगा। अगर 1 किलो पानी होगा तो उसे आप लोग अगर लीटर में नापोगे तो वो भी उतना होगा और किलो में नापोगे तो वो भी उतना होगा। तो चलो मैं आपको वो भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा पूरा 1 लीटर पानी है। अब चलो हम लोग इसको इसमें डालते हैं और देखते हैं कि 1 लीटर पानी 1 किलो जितना होता है या फिर ज़्यादा होता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ही फ़र्क है। 1 लीटर पानी को हम लोग जब किलो में नापा तो वहाँ पर 1-2 ग्राम का ही अंतर है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पसंद करा होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट यार लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बनाने में मेहनत बहुत लगती है। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।